In our earlier classes, we discussed different cell organelles, their structures, functions, and occurrence or habitat. After that, we discussed plastid is a next cell organelle. Plastid. प्लास्टिड केवल और केवल ओनली इट इज फाउंड इन प्लांट्स जनरली प्लास्टिड फाउंड in plant cell these are rounded or flat shaped colored or colorless organelle they are rounded are flat shaped colored or colorless cell organelles colorless cell organelles plastids are absent in plastids are absent in fungi, bacteria, BGA, अर्थात blue green algae, and myxomycetes etc. Plastids were first discovered by Plastids were first discovered by Haeckel. In 1865, the term plastid
यूज्ड बाय एफ डब्ल्यू एस स्किम्पर इन 1885. After that, we discuss types of plastic. On the basis of the presence of pigments, plastics are following three types. On the basis of pigment, plastids are three types. On the basis of presence of pigment, plastids are following three types. One is chloroplasts. Second, chromoplast. Third, leucoplast. First chloroplast, second chromoplast, and third leucoplast. Chloroplast is green in color. Chromoplast colored plastids. Leucoplasts, the plastid that is colorless. That means colorless plastid is known as leucoplast. Different types of plastids can convert into each other. Like tomato and chilies initially have leucoplast, which converted into chloroplast in the presence of sunlight. Green tomato and green chilies have chloroplasts, whereas in ripened tomato and chilies, these converted into chromoplast. So, on ripening, tomato and chilies are red in color. That means the chili and tomato, which is first initially green in color, in which present chloroplast, after ripening, the chloroplast converted into chromoplast. So the chilies and tomato are red in color after ripening.
द इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड पहले लेते हैं हम क्या प्रोप्लास्टिड प्रोप्लास्टिड स्टार्टिंग स्टेज में जो प्लास्टिड होता है उसका कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट में होता है किसमें होता है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में आफ्टर क्रोमोप्लास्ट इट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्जन होता है इसका और ये क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन क्रोमोप्लास्ट में भी होता है जैसा कि मैंने आपको बताया टोमेटो और चिलीज में और इसी प्लास्टिड का कन्वर्जन एमाइलोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट में होता है प्रोप्लास्टिड का कन्वर्जन ल्यूकोप्लास्ट में होता है या फिर इसी को कह सकते हो एमाइलोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का कन्वर्जन क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट का कन्वर्जन ल्यूकोप्लास्ट में होता है ऐसे ही इलियोप्लास्ट प्रोप्लास्टिड से यूलियोप्लास्ट भी बनता है प्लास्ट और इसका कन्वर्जन हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में इलियोप्लास्ट इज आल्सो अ ल्यूकोप्लास्ट दीज आर दी इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड जो प्लास्टिड्स हैं उनका कन्वर्जन एक दूसरे में होता रहता है नेक्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आफ्टर इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट अगर हम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें क्लोरोप्लास्ट का तो वे चूँकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन आर्गनेल है डबल मेम्ब्रेनस आर्गनेल है इसमें दोनों डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इसकी मेम्ब्रेन्स हैं डबल मेम्ब्रेन बीस बीस में इसके कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं इस तरह से
एक के ऊपर दूसरा कॉइन ऐसे जैसे रखा हो। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। और पूरे को बोलते हैं थैलाकोइड। ये ग्रेना लैमेली के द्वारा दूसरे ग्रेना से जुड़े रहते हैं। इस तरह से होता है स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। इसको ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना। और इसके इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ये इसकी है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन, ये तो स्ट्रक्चर है किसका? क्लोरोप्लास्ट का, जो कि कैसा होता है? ग्रीन इन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। इसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, आरएनए, डीएनए, विटामिन ई, विटामिन के, एंजाइम, मेटल्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें इसका एक अपना डीएनए भी होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो इसके टाइप्स की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। इनमें जो फर्स्ट है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, जो कि किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। सेकंड है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि ग्रीन ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन और ब्लैक का। थर्ड है कैरोटीन, कैरोटीन्स, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। फोर्थ है जैंथोफिल, जैंथोफिल, इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है। और अगर इसके हम फार्मूले की बात कर लें, इसका जो केमिकल फार्मूला है उसकी बात कर लें, तो देखते हैं इसका होता है C55H72O5N4
MG। इसका जो होता है C-55H-70, O-6 N-4 MG। और कैरोटीन की अगर बात करें तो C-40H-56। और जैंथोफिल की बात करें तो जैंथोफिल का जो स्ट्रक्चर हो, जो केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है C-40H-56O2। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ द क्लोरोफिल, फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के फंक्शन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका फंक्शन क्या है? अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो काम क्या करता है? रिसीव करता है सनलाइट को और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। फर्स्ट फंक्शन इसका जो है वो है दे रिसीव लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स दिस लाइट एनर्जी, कन्वर्ट दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। सेकंड, ल्यूकोप्लास्ट्स आर कलरलेस एंड इरेगुलर इन शेप। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर सनलाइट डज नॉट रीच। मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट्स आर फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट आर फॉलोइंग टाइप। अगर देखा जाए तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, इरेगुलर शेप का होता है, लेकिन वो उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। और इसके अगर फंक्शन की बात करें ल्यूकोप्लास्ट के, तो वो उसके टाइप्स के बेसिस पर है। जैसे एमाइलोप्लास्ट है जो कन्वर्ट होता है शुगर इनटू स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इलियोप्लास्ट जो है वो सीड के अंदर फैट के रूप में होता है। प्रोटीनियोप्लास्ट जो होता है वो सीड के अंदर प्रोटीन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो मतलब ये जो प्लास्टिड है स्टोरेज ऑफ फूड का भी वर्क करता है। प्लास्टिड्स आर
plastids are work as storage organ of food, storage organ of food, like amyloplast, which store or convert sugar into starch. Store in the form of starch. Second, amyloplast these are generally found in seed and store fat. Generally found in seed and stores fat. Third है प्रोटीनियोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यह जनरली जो है यह भी सीड में पाया जाता है. जनरली फाउंड इन सीड एंड स्टोर्स प्रोटीन. ये जनरली पाया कहाँ जाता है? सीड में. और स्टोर क्या करता है? प्रोटीन. आफ्टर द डिस्कशन ऑफ प्लास्टिड वी डिस्कस वैक्यूल. वैक्यूल्स इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन जनरली इन मैच्योर प्लांट सेल इन लार्ज वैक्यूल. बट इन एनिमल सेल इट आब्सेंट आर प्रेजेंट इट मे बी वेरी स्मॉल साइज. In mature plant cell have one or more large, कैसा होगा? Large vacuoles the vacuoles are either very small or either very small or absent or absent in animal cell. या तो ये present होगा तो बहुत ही small size का होगा. अगर absent नहीं तो क्या होता है कि ये plant animal cell में absent होता है. जो वैक्यूल होता है ये स्टोरेज बैग होता है सॉलिड और लिक्विड सबस्टेंसेज का. और ये प्लांट सेल में ऑक्यूपाई करता है 50-90%
of the cell volume. It occupies 50 to 90% volume of the plant cells. The vacuoles are storage bags of solid and liquid substances. The outer covering of vacuole is called tonoplast. The vacuolar sap is referred as cell sap. These are the about vacuoles. After that, we discuss ribosomes. जो आपको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.